नमस्कार, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CS305 डॉट नेट टेक्नोलॉजी में ASP.NET का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। ASP.NET का वेब एप्लीकेशन कैसे काम करता है वो हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। सबसे पहले वेब क्लाइंट है, वो ब्राउज़र की सहायता से रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर पर, IIS पर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। और IIS सर्वर वो कम्युनिकेट करता है ASP.NET एप्लीकेशन से, और ASP.NET एप्लीकेशन है वो रन करता है .NET फ्रेमवर्क पर। .NET फ्रेमवर्क है, उसका आर्किटेक्चर हम देख चुके हैं। VB.NET की जो यूनिट्स थे उनमें .NET फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर हमने पढ़ा था। तो .NET फ्रेमवर्क तो रहेगा ही इसके अंदर, उसके ऊपर ही ASP.NET रन करेगा। फिर ये .NET फ्रेमवर्क का वो रन करता है विंडोज NT /2000 ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर रन करता है। तो ये तो एक वर्किंग मॉडल होता है कि कैसे वेब क्लाइंट है वो ब्राउज़र की हेल्प से रिक्वेस्ट भेजेगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज सर्वर है उस पर, और फिर ASP.NET है वो कम्युनिकेट करेगा सर्वर से, और सर्वर इटसेल्फ भी किस पर रन कर रहा है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ASP.NET एप्लीकेशन किस पर रन कर रहा है, .NET फ्रेमवर्क पर, और .NET फ्रेमवर्क किस पर रन कर रहा है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अब ASP.NET में जो हम वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं उनका आर्किटेक्चर कैसे रहता है वो हम देखेंगे। तो उसको हम मेनली तीन लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और ये बहुत ही पॉपुलर है जो आर्किटेक्चर है तीन लेयर का, क्योंकि ये एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है, स्केलेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और कोड को रीयूज करना, इनको बढ़ावा देते हैं। जो थ्री लेयर आर्किटेक्चर है उससे एप्लीकेशन की कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं। अब इसको तीन प्रमुख लेयर्स उनमें डिवाइड किया गया है। प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, जो यूज़र इंटरफेस है उससे जो संबंधित है प्रेजेंटेशन कोड उसको मैनेज करती है। बिजनेस लेयर, ये बिजनेस के जो रूल्स है, लॉजिक है, उनको बनाए रखती है। और सबसे नीचे डेटा लेयर, ये क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है और उसको रिट्रीव करने के लिए काम करती है। हम इनको डिटेल्स में देखेंगे। प्रेजेंटेशन लेयर वेबसाइट या एप्लीकेशन के यूजर्स को इंटरफेस प्रोवाइड करती है, और इसमें .ASPX या विंडोज़ फॉर्म्स जैसे पेजेस होते हैं जहाँ यूजर के लिए डेटा प्रस्तुत किया जाता है या यूजर जानकारी एंटर करता है। जैसे हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो दो ही काम करते हैं, या तो सर्वर पर कुछ जानकारी भेज रहे होते हैं, एंटर कर रहे होते हैं फॉर्म में, या फिर सर्वर से कोई जानकारी आ रही होती है उसको हम रीड कर रहे होते हैं। ये लेयर है वो बिजनेस लेयर के साथ कम्युनिकेट करती है, प्रेजेंटेशन लेयर। ASP.NET में फाइल के पीछे का कोड और HTML का कोड दोनों अलग अलग होते हैं। HTML फाइल है वो वेब फॉर्म का लुक और लेआउट को परिभाषित करती है, और जो फाइल के पीछे का कोड होता है वो प्रेजेंटेशन लॉजिक होता है उसमें। ये जो सेपरेशन है दोनों में, ये डिजाइनर और डेवलपर को मदद करता है। डिजाइनर तैयार करता है वेबसाइट का लुक एंड फील, और डेवलपर करता है उसका लॉजिक डेवलप करता है। तो इन दोनों के अंदर सेपरेशन रहे, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं हो किसी तरह का, तो दोनों को अलग अलग रहते हैं दोनों। ASP में हमने क्या देखा था, ASP के अंदर क्या होता है, ये दोनों मिक्स होती थी,
एएसपी और एचटीएमएल दोनों मिक्स होते, वहाँ पर काफ़ी मुश्किल आती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों अलग अलग होते हैं, तो दोनों की फंक्शनलिटी है, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता आपस में। तो डिजाइनरों को यूजर इंटरफेस में बदलाव करने के लिए बिजनेस लॉजिक में कोई चेंज हो रहा है कुछ, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। और डेवलपर है, उसको कोड अपडेट करते टाइम जो उसकी लुक एंड फील है, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। बिजनेस लॉजिक, बिजनेस लेयर और एप्लीकेशन लेयर एक्ट्स बिटवीन एप्लीकेशन लेयर एंड डेटा एक्सेस लेयर। तो बिजनेस लेयर है वो काम करती है एप्लीकेशन लेयर और डेटा एक्सेस लेयर के बीच में। ये लेयर होती है, बिजनेस लॉजिक होता है इसमें, वैलिडेशन होता है डेटा का और अदर फंक्शंस होते हैं। वैलिडेशन से मतलब है कि किसी भी जानकारी को वैलिड है या नहीं है पता लगाना। जैसे मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का है, ईमेल आईडी है, उसका जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर है या नहीं है, तो इस तरह के वैलिडेशंस होते हैं। इस लेयर के अंदर प्रोग्रामर्स है वो एक्सेस करते हैं डेटा को, डेटा एक्सेस लेयर से। डेटा एक्सेस लेयर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DAL, डेटा एक्सेस लेयर। सपोज कोई यूजर है, वो रजिस्टर करना चाहता है और उसने सारी डिटेल्स है वो फिल की है और क्लिक किया है सबमिट बटन को। अब सबमिट बटन और जो डिटेल्स फिल कर रहा है फॉरम पर, वो कहाँ पर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर। तो वहाँ पर जैसे ही सबमिट करेगा तो किसको कॉल जाएगा, बिजनेस लेयर को। और बिजनेस लेयर के अंदर प्रोग्रामर एक्सेस करता है फंक्शंस और पास करता है पैरामीटर्स को दैट इज प्रोवाइडेड बाय द एंड यूजर एज एग्जांपल। जैसे कि इंसर्ट कर रहा है यूजर डिटेल्स, जिसमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा उसका यूजर नेम, स्ट्रिंग में आएगा पासवर्ड, स्ट्रिंग में ही आएगा ईमेल, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम आएगा, स्ट्रिंग लास्ट नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, फ्लोट सैलरी। तो इस तरह के हम देखते हैं, हम फॉर्म भरते ही हैं वेबसाइट के ऊपर, इस तरह से यूजर है वो डेटा एंटर करता है। और वो एंटर कर रहा है वहाँ पर कौन सी लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर। जैसे सबमिट बटन क्लिक किया तो जो बिजनेस लॉजिक है उसने वैलिडेशन वगैरह चेक किया सारा, और जो डेटा था वो किसको भेज दिया, डेटा लेयर को भेज दिया। और डेटा लेयर क्या करेगी, डेटा लेयर के अंदर कोड होता है रिलेटेड टू डेटाबेस, जो डेटाबेस से रिलेटेड कोड है वो इसके अंदर लिखा हुआ होता है डेटा लेयर के अंदर। इसके अंदर मेथड्स होते हैं जो डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, और इसके अंदर मेथड होते हैं जो यूजर द्वारा जो इन्फॉर्मेशन फिल की गई है फॉर्म में उसको डेटाबेस में इंसर्ट कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर यूजर कोई जानकारी चाहता है तो डेटाबेस से सेलेक्टेड डेटा है उनको एसक्यूएल क्यूरी के थ्रू सेलेक्ट करके यूजर को भेज देते हैं। डायग्राम हम देख सकते हैं किस तरह से है। फर्स्ट लेयर प्रेजेंटेशन लेयर हो गई। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, ऊपर लिखा हुआ है वेब फॉर्म्स, विंडोज फॉर्म्स, जो भी अपने को ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले होता है वो किसके थ्रू होता है, प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू। उसके बाद में उसके नीचे जो लेयर काम करती है वो होती है बिजनेस लेयर। तो बिजनेस लेयर के अंदर लॉजिक होता है जो प्रोग्रामिंग में होता है, C# में होता है या VB.NET में होता है। तो इसमें बिजनेस लॉजिक होता है जिसमें वैलिडेशन वगैरह होता है। फिर उसके नीचे जो लेयर काम होती है डेटा लेयर, डेटा लेयर क्या करती है, इसके अंदर डेटाबेस से रिलेटेड काम होता है। तो ये आर्किटेक्चर है ASP.NET के एप्लीकेशंस का। अब जो 3-tier आर्किटेक्चर है उसके एडवांटेजेस क्या है, मेन फर्स्ट एडवांटेज है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि सारी जो लेयर्स है उसके अंदर सेपरेट कोड होता है और एक लेयर है वो इंडिपेंडेंट होती है दूसरी किसी लेयर से। तो उसमें एक लेयर में जब हम कुछ चेंजेस करते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होती कि दूसरी लेयर के अंदर कुछ इससे गड़बड़ हो सकता है। तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम इंडिपेंडेंटली किसी भी लेयर के अंदर अपडेट कर सकते हैं। मेंटेनेबिलिटी, मेंटेन करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि एक कंपोनेंट में या एक लेयर के अंदर जब कुछ हम चेंज करते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता दूसरी लेयर के ऊपर, तो हम एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। रीयूजिबिलिटी, एक सिंगल लाइब्रेरी या कंपोनेंट है उसको एक्सेस किया जा सकता है मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर, तो
तो ये इजी हो जाता है हमारे लिए, रीयूज करने वाला कंपोनेंट्स को हम रीयूज कर सकते हैं आसानी से, मल्टीपल टाइम्स कई बार यूज कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग द एप्लीकेशन इनटू मल्टीपल लेयर्स। स्केलेबिलिटी, वी कैन डिप्लॉय एप्लीकेशन कंपोनेंट्स अक्रॉस मल्टीपल सर्वर, सो इट मेक्स द सिस्टम मच मोर स्केलेबल। तो स्केलेबिलिटी हो जाती है क्योंकि हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स को मल्टीपल सर्वर्स पर। अगर एक सर्वर पर ज़्यादा लोड आ रहा है तो मल्टीपल सर्वर्स पर इसको लोड कर सकते हैं, तो उससे स्केलेबिलिटी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था ASP.NET का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, उसके एप्लीकेशंस कैसे काम करते हैं। थैंक यू।